जय माता की। वैष्णो देवी जय माता दी। जैसा कि आप देख चुके हैं, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो अब मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि मैं लगाना भूल गई थी। शो ऑफ करने के बाद मैंने सोचा माँ के साथ वो वीडियो बना लूँ, बट माँ को कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो पोज दे रहे थे। देन उसके बाद अब देखिए, हम लोग हवा खा रहे हैं ट्रेन के गेट पे खड़े होकर। मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना ही लेते हैं, जैसा कि मेरा नेचर आप जानते हैं। और अब देखिए, इसके बाद हम लोग सो गए खाना खाकर। सुबह हो चुकी है और सुबह एक धूप की किरण मेरे फेस पे पड़ रही है और मेरे मुंह को पूरा छुपा दिया है, बट कोई बात नहीं। आप प्रथम और मार्क्स देखिए, उनको देख के तो लग रहा है लिटरली बहुत ठंड है, बट हाँ मॉर्निंग में ठंड है। और ये बात है 2021 सितंबर की, ये ट्रिप अभी का नहीं है, ये 2021 का है। जोर से बोलो जय माता दी। और अब हम लोग उतर चुके हैं ट्रेन से, और जयकारा लगाने के बाद हम लोग चलते जा रहे हैं। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे हमें इतनी लंबी लाइन मिलने वाली है, तो मैंने सोचा बैठे बैठे वीडियोज़ ही बना लेती हूँ, कम से कम थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा। और ये लाइन थी एक्चुअली RT-PCR रिपोर्ट की। अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, शायद बहुत से लोग भूल भी चुके होंगे, बट मैं नहीं भूल सकती, मेरी फैमिली नहीं भूल सकती। और उस समय RT-PCR रिपोर्ट वालों की अलग से लाइन बनी थी, जो कि हमारे पास थी, और हम लोगों को पता था कि रिपोर्ट लगेगी, तो हम लोग लेकर गए थे। और जल्दी जल्दी तो नहीं, बट थोड़ा डिले करके, थोड़ा धीरे 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 हम लोग पहुँच गए। और ये देखिए, स्टेशन से निकलने के बाद का हमारा नज़ारा ब्यूटिफुल। स्टेशन से निकलने के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद तो वैसे ही दिल खुश हो गया। उसके बाद हम लोग फटाफट गए होटल, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग ही पहुँच गए थे, तो हमारा एम था कि फटाफट होटल जाके नहा धो के फ्रेशन अप होके अच्छे से दर्शन के लिए निकलेंगे। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं पैदल चल के नहीं जाने वाली हूँ, एंड थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट ठीक है, मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई, काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए। सो वो सब बातें अब बाद में करते हैं, पहले चलते हैं अपने रूम में। और ये जा रहे हैं माँ, और हे कम से लिफ्ट। होटल काफ़ी सुंदर था, और भी काफ़ी चीज़ें थी होटल में जो कि हमने बाद में एक्सप्लोर किया दर्शन करने के बाद। फिलहाल माँ जा रहे हैं अपने रूम में और मैं देखती हूँ अपना रूम। तो ये है मेरा रूम, मेरा मतलब मेरा और प्रथम का, एंड नाइस। थोड़ा अंधेरा लग रहा है शायद। ये हूँ मैं, अब थोड़ी रोशनी आई। और अब चलते हैं फटाफट माँ के रूम में, ये रूम ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दो सेम हैं, बट आई थिंक लाइट है जो इफ़ेक्ट आ रहा है, काफ़ी सुंदर है माँ पापा का रूम भी। और इसके बाद हम लोग फटाफट रेडी हुए, एंड देन हम निकले। कहाँ के लिए वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सो हियर वी आर, हम पहुँच गए हैं हेलीपैड टर्मिनल में। और ये है टिकट काउंटर, और उस टाइम पे 2021 में ये टिकट था 1800 पर राइड। और ये है माँ पापा और प्रथम खीरा खाते हुए। और ये जब जान बूझ कर मुझे खीरा ऑफर करे, जबकि इनको पता है कि मैं नहीं खाने वाली हूँ, और मैंने नहीं खाया था क्योंकि बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं दर्शन के बाद ही कुछ खाऊं। और यहाँ बोर्डिंग पास काउंटर है ये, जहाँ से हम लोग ने बोर्डिंग पास लिया अपना। और उसके बाद हमने बैठ के इंतज़ार किया, और थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बनाई जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ, और बैठ के हेलीकॉप्टर्स को जाते हुए देखा और अपने टर्न का वेट किया। और जैसे ही हमारा टर्न आया, उसके बाद हम लोग एक वैन में बैठ के गए
और ये देखिए आप हमें ले जा रहे हैं हेलीपैड। और आप देख रहे होंगे कि रास्ता कितना सुंदर है। हेलीपैड पहुंचने से पहले हमें 5-10 मिनट चलना पड़ा था और वहां पे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अलाउड नहीं था। और देखिए अब हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं वेटिंग रूम में और मैंने पीपी किट पहनी है क्योंकि मुझे पायलट के बगल में बैठना था। मैं और प्रथम सबसे आगे बैठे थे पायलट के साथ और पायलट और मेरे बीच में एक शील्ड थी जैसे कि नॉर्मली कैब ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में होती जो फ्रंट सीट पर बैठता है। अभी देखिए हमने कोशिश करी कि हम हेलीपैड की वीडियो बना दें क्योंकि वो भी अलाउड नहीं था। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए सांझी छत, लेकिन अब भी हम भवन से दूर थे और वो सफ़र हमने चढ़ाई करके पूरा किया। और अब देखिए हम कैसे एंजॉय करते हुए माता का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं माता के भवन। जय माता दी, 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 पीछे वाले जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, सारे वाले जय माता दी, सारे वालों जय माता, जोर से वालों जय माता। मेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि यहाँ से माता का भवन हमें नजर आ गया है। आई थिंक ये वही जगह है जहाँ से सबसे पहले माता का भवन नज़र आता है। और उसके बाद आप मेरी हालत देख के जाइए, मेरे लिए वो 30-40 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा थकान भरे हो गए थे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई है चलने की। और कोई बिलीव नहीं करेगा बट ये मैं 14 टाइम वैष्णो देवी जा रही हूँ और इससे पहले 13 टाइम मैं पैदल चल के गई हूँ, हमेशा चढ़ाई चढ़ के। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था चलना, बट जैसे जैसे भवन के नज़दीक पहुँचते गए वैसी मेरी एनर्जी बढ़ती गई। और फाइनली देखिए अब हम ऑलमोस्ट भवन के पास पहुँच चुके हैं, बस अब देर थी। हमें माता के लिए चढ़ावा चुनरी प्रसाद वो सब लेनी थी और हमने लिया। हम लोग ने किए माता के दर्शन जो कि बहुत ही सुंदर हुए थे, दिल खुश हो गया था, मन प्रसन्न हो गया था एकदम सबका। और हम निकल गए भैरव बाबा के दर्शन के लिए। Now we are headed towards भैरव मंदिर। This way. देखिए आप सब लोग, ये हम भैरव मंदिर के लिए हम लोग निकल चुके हैं, दर्शन करेंगे बहुत ही प्यारे दर्शन और आप लोग को भी कराएंगे बहुत ही प्यारे दर्शन। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं नेहा जो एकदम माता की चूड़ी पहन के एकदम रेडी। सो मौसम बहुत ही सुहाना, भीड़ नहीं है एकदम। अब ये देखिए पीछे हमारे साथ एक और माता रानी आती हुई, चलिए भैरव माता मंदिर के लिए निकलते हैं। हमें लगा था भीड़ नहीं है बट रोप वे में बैठने से पहले हमें 40 मिनट्स वेट करना पड़ा।
और हमें करीब 8 से 10 मिनट लगे भैरव मंदिर पहुंचने में रोप वे के थ्रू। अब हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस भवन की ओर और वहां जाकर हमने खाना खाया और इसके बाद हम निकल पड़े कटरा की ओर, मतलब हमारी होटल की ओर। लेकिन वापस जाते वक्त हमें हेलीकॉप्टर की सर्विस नहीं मिली क्योंकि वेदर ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की सर्विस बंद कर दी थी। तो अब हमें पैदल ही भवन से नीचे कटरा तक जाना था और ये कोई आसान काम नहीं था मेरे लिए। आप अब मुझे देख के समझ ही सकते हैं कि मेरी क्या हालत है, मेरी पैरों की क्या हालत हो चुकी है। बट जैसे ही ढोल बजा मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई और आप देखेंगे हमने कितना डांस किया। जय माता की। बड़े क्यूट लग रहे हैं आप। अर्धकुंवारी पहुंचने तक मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था और माँ पापा प्रथम तीनों एकदम आराम से चल रहे थे। तो एट द एंड मेरे लिए अर्धकुंवारी में जाकर घोड़ा करना पड़ा और मेरी वजह से सब लोग को घोड़े पर बैठना पड़ा और फिर हम सब घोड़े पर बैठ के नीचे पहुँचे कटरा। ये जो वीडियो है अब जो प्रथम की ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग होटल पहुंच गए थे। ये है शाम के 7 बजे और हम लोग करीब 7:30-8 बजे होटल पहुंच गए। हमने थोड़ा रेस्ट किया, खाना खाया, उसके बाद हम लोग सो गए। लेकिन ये ट्रिप यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे और जर्नी बाकी है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आपको आगे क्या होने वाला है, हम और कहाँ जाने वाला है आपको तभी पता चल पाएगा जब आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता चलेगा कि इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे। टिल देन टेक केयर, जय माता दी।